जी सर, एक मेरा सवाल है कि जैसे हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें तीन भाभियाँ रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो बेपर्दगी होती है, जो है घर में आना जाना रहता है तो नजर पड़ जाती है, बेपर्दगी रहती है। तो इसमें क्या खाना पीना एक साथ में रहते हैं, मोबाइल देना, बातचीत होती है ऐसे, तो क्या ऐसे हमारे हम जो है गुनाह होंगे, और क्या कयामत के दिन जो है इसके बारे में पकड़ होगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ऐसे, तो क्या करना चाहिए, घर से चले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसका वजह फरमा दीजिए सर। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हिंदुस्तान के मुआशरे की दुखती रग पर आपने उंगली रख दिया है। ये ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो खराबियां हैं, उन्हीं ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम है हमारे मुआशरे में, उसमें कई सारी खराबियां हैं। हो सकता है कुछ अच्छाइयां भी हों, लेकिन कई सारी खराबियां जिसका शरई उमूर से ताल्लुक है, उन्हीं में से एक मसला है पर्दे का मसला। ज्वाइंट फैमिली में पर्दे का एहतमाम नहीं हो पाता है, और पर्दा ये वाजिब है। पर्दा ये कोई सुन्नत और नफली चीज नहीं है, पर्दा करना ये वाजिब है। तो अगर वाजिब चीज हमसे छूट रही है तो उस पर हमें गुनाह होगा। तो लिहाजा जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, आपके घर वाले और तमाम नाजरीन, कि अगर किसी वजह से आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह का इंतजाम होना चाहिए कि पर्दे का एहतमाम हो सके। अपने यहां आमतौर से देवर और भाभी का लोग बिल्कुल समझते हैं कि पर्दा है ही नहीं। देवर और भाभी का क्या पर्दा? ये चीज गैर मुस्लिमों से आई है, बल्कि सबसे सख्त पर्दा तो देवर भाभी का होना चाहिए। तो माशाल्लाह आप ये बात जानते हैं, आपने खुद ही बताया। जब आप ये बात जानते हैं तो फिर आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप पर्दा करें। और ये सिर्फ देवर भाभी का मसला नहीं है। जैसे कजिन्स होती हैं, आपके चचा की बेटी है, आपके खाला की बेटी है, फूफी की बेटी है, इन सब से पर्दा है, और ये पर्दा जरूरी है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में इसका एहतमाम नहीं होता है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये गुनाह का काम है। जी भाई, आप म्यूट हैं। अतारमन भाई, तो सर हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो है वही बात है कि हमें कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप हमें बताइए कि आपको कैसे बचना है। जाहिर है आपके घर का माहौल कैसा है, आपका घर कैसा है, घर का स्पेस कैसा है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आपको बचना है, कैसे बचना है, तरीका आप तलाश कीजिए। भाई, हर घर का, किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, ये सारी चीजें वो खुद आदमी फैसला करे। तो ये तरीका आपको मुफ्ती नहीं बता पाएगा कि आपको बचना है, कैसे बचना है, उसका तरीका आप तलाश कीजिए। एक मिनट, जैसे मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अपने घर वालों को आप ये ताकीद कर दीजिए, अपने वालिदैन को बता दीजिए, या आप अपने भाइयों को या भाभियों को आप बता दीजिए, उनको बताइए कितनी खतरनाक चीज है और हम लोग गुनहगार हो रहे हैं। तो जब हम घर में आया करें, हम घर में आए, आवाज दें तो आप लोग अंदर हो जाएं। खाना जैसे आपको हमारे लिए लगाना है, आप खाना लगा के चले जाएं, हम आके खा लेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो इंसान खुद ढूंढ सकता है, वो आपको कोई आलमे दीन नहीं बता पाएगा। अगर आप बचना चाहेंगे, हकीकत में आपके अंदर जज्बा है कि हमें बचना है, तो बच सकते हैं।